आईजी साहब, एक प्रश्न आपसे। एक तो आज के एनकाउंटर के बारे में थोड़ा डिटेल दे दीजिए, और ओवरऑल कितने मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं और कितने सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं? कल दोपहर में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि सोपोर एरिया में लश्कर तैयबा के दो टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, सीआरपी, आर्मी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू हो गया। ऑपरेशन को बीच में रोक दिया हम लोग, क्योंकि सिविलियन को निकालना था। उसका रात में 2 बजे फिर से फायरिंग रिज्यूम हो गया, और उसमें दो टेररिस्ट मारे गए हैं लश्कर तैयबा का, दोनों लोकल टेररिस्ट हैं। उसमें फैज वार्ड, जो उमर भी बोलते हैं, और ये 2008 से एक्टिव मिलिटेंट था, जिसमें छोड़ दिया था, फिर से ज्वाइन कर लिया था लास्ट ईयर। ये बहुत सारे सिविलियन किलिंग, पुलिस किलिंग, सिक्योरिटी फोर्स किलिंग के ग्रेनेड थ्रो में इन्वॉल्व था। तो ये इसका मारा जाना सिक्योरिटी फोर्स के लिए, पुलिस के लिए और आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक अगर हम बात करें तो टोटल कितने मिलिटेंट मारे गए हैं और किसको सबसे ज़्यादा आपने किस आउटफिट के इस मारे? साल अभी तक 82 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें सबसे ज़्यादा लश्कर तैयबा का मारा गया है, लगभग 41। थैंक यू सर।